नमस्कार, सागर टीवी न्यूज़ के इलेक्शन अपडेट में मैं सुरेश वाखले आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इलेक्शन अपडेट के आज के अंक में हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद हैं सागर टीवी न्यूज़ के चैनल हेड शिवा पुरोहित जी, सागर टीवी न्यूज़ के संवाददाता अनुज गौतम जी और सागर टीवी न्यूज़ के बुलेटिन प्रोड्यूसर सरजू पटेल जी। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनभर शिवा पुरोहित जी आप दिनभर जो है नगर में घूमे हैं, नगर में भ्रमण किया है, लोगों की राय जानी है। आपने तीन विशेष कार्यक्रम किए हैं, चाय पर चर्चा, अलाव पर चर्चा और नाव पर चर्चा। सबसे पहले हम नाव पर चर्चा से शुरुआत करते हैं। चक्राघाट के जो लोग हैं उन बाशिंदों से आपने बात की थी, क्या निकल करके सामने आया, लोगों के मुद्दे क्या हैं, किस बात पर नाराज़गी है और किस बात से खुश हैं? देखिए, चुनाव यात्रा लेकर तारिक निकले हैं, चूँकि कुछ निजी काम आया है तो वो अपने घर गए हुए हैं और इस दौरान वक्त मिला, अनुज जी का साथ मिला, नवीन जी का साथ मिला, तो मैंने सोचा कुछ चर्चा शहर के लोगों से की जाए। तो आज हम निकले शाम के वक्त, सबसे पहले हमने नाव पर चुनाव की चर्चा की। ईमानदारी से जो लोग थे उसमें वो आम लोग ही थे, हो सकता है किसी की विचारधारा से कोई प्रभावित हो, लेकिन थे आम लोग। काफ़ी कुछ उन्होंने बोला, फिर वहाँ से हम लोग निकले तो हमने चाट के ठेले पर चुनाव की चर्चा की। कुछ युवा थे वहाँ, चाट फुल्की खाने आए थे, उनसे चर्चा की। और जब हम आने लगे शाम होते होते, जब अंधेरा हो गया, तो कुछ लोग अलाव जलाकर, मतलब पहली बार मुझे सागर में ठंड के इस साल शुरुआती ठंड में पहली बार इस सीज़न में मुझे अलाव जलाते हुए लोग मिले, तो मेरा जो है मन हुआ उनसे चर्चा करने का, तो उनसे भी चर्चा की। देखिए, अगर ओवरऑल बात की जाए तो भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी है, ये तो सभी समझ रहे हैं। बदलाव, कुछ लोग कहते बदलाव चाहिए, कुछ लोग कहते ये भी ठीक है, कुछ लोग कहते हैं मोदी अच्छा है, शिवराज अच्छा है, लोकल विधायक को लेके कुछ लोग कुछ कहते हैं, या कुछ कहते हैं कि हमें नया चेहरा चाहिए, या कहते हैं इस पर भरोसा जता लिया, इस पर भरोसा जताएं, तमाम सारी बातें निकल कर आती हैं, लेकिन चर्चा करने में मजा खूब आता है। दरअसल बात ये हो जाती है ना कि हमेशा आप जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बुलाते हैं तो विचारधारा से प्रभावित होता है, लेकिन ऐसी जगहों पर जाने पर आप रैंडमली ही आपको सैंपल मिलता है जो प्रभावित किसी एक विचारधारा से नहीं होता, वो एक सैंपल साइज होता है कि आप अलग अलग जो है विचारधाराओं के लोगों से और एक आम नागरिक की बात आप वहाँ पर सुन सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है शेर जी, आज मैं निकला जैसे चर्चा करने के लिए, हमारी एक टीम और घूम रही है चौपाल लेकर, तारिक जा रहे हैं चुनाव यात्रा लेकर। मेरा और तारिक की स्ट्रेटजी और चौपाल की जो टीम की स्ट्रेटजी सीधी है कि हम बिना बताएं पहुंचते हैं। तारिक बिना बताएं लोग, जनता के बीच झुंड देखा, लोगों का खड़ा हुआ, वहां जाके बात करने लगे। मेरे साथ भी यही है कि मैं पहुंचा, देखा कि यार यहां युवा खड़े हैं, ये कर तो हम बात करने लगते हैं। लेकिन चौपाल जब वार्ड में पहुंचती है तो वार्ड पार्षद को इसकी खबर लग जाती है, क्योंकि वो वार्ड के लोगों से बात करते हैं, तो कुछ भाजपा के लोगों को पता पड़ जाता है, कुछ कांग्रेस के लोगों को पता पड़ जाता है, तो वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो चर्चा जो है वो सही निकल कर नहीं आ पाती, क्योंकि चौपाल जो है वो सही निकल के चर्चा इसलिए नहीं आ पाती है कि उसमें ये लगता है कि वो पहुँच गए हैं भाजपा कांग्रेस के लोग। पार्टी के लोग जब खड़े थे जनता थोड़ा कम बोल पाती है, लेकिन कुछ नहीं, जनता बहुत निर्भीक है, निडर भी है, वो कुछ खुल के भी बोलती है। अगर आपने काम किया है तो आपकी तारीफ करती है, अगर आपने काम नहीं किया तो आपकी बुराई करती है, या आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो साफ बोलती है कि आप पर भरोसा नहीं है, आप पर भरोसा जताया है तो वो आपसे उसका वो भी रिटर्न भी मांगती है कि आप पर भरोसा जताया था, आपको उसका रिटर्न देना होगा। अच्छा, मैं भी एक दो बार आपके साथ चर्चाओं पर गया हूं और कैमरे के पीछे रह करके काम किया है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने में ज़रूर आई है कि जो आदमी इस वक्त कैमरे पर बोल रहा है वही कैमरे के पीछे ही बोल रहा है, यानी ये नहीं कि मतलब वो वास्तव में या तो नाराज़ है या वास्तव में खुश है, जो है वो वैसा ही कैमरे पर दिख रहा है। जी, अनुज जाते हैं चुनाव यात्रा लेकर, अनुज देखते हैं चुनाव यात्रा में कि आखिर वहाँ एक्चुअल स्थिति है क्या, और वहाँ लोग जो है, जनता हो, पार्टी के लोग हों, आम लोग हों, महिला हों, पुरुष हों, बच्चे हों, युवा हों, जो भी जिनसे भी ये चर्चा करते हैं तारिक और ये, क्योंकि चुनाव यात्रा की टीम में ये एक अहम हिस्सा है, तो ये जो आपको बता पाएंगे वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। चुनाव यात्रा लेकर ये निकले, हम फील्ड पर आज ही निकले और लोगों आज ही की बात कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पर जो है जो व्यक्ति जो कैमरे में बोल रहा है वही कैमरे के पीछे भी बोल रहा है, बिल्कुल बोल रहा है, और लोगों को जहाँ नाराजगी है तो नाराजगी है, जहाँ खुश है वहाँ खुश। इस बार के चुनाव में अगर हम सागर विधानसभा की बात करें तो इस बार के चुनाव में
जनता बड़ा खुल के विरोध में भी है और खुल के पक्ष में भी है। आपको ये नहीं मिलेगा कि दो प्रकार की बातें कर रही हैं, आप गए तो आपके मुंह पे आपकी, आप गए तो आपके। हो सकता है कोई दबंग आदमी पहुंच जाए तो उसके मुंह पे उसकी हो जाए, लेकिन जनता खुलकर बात कर रही है, खुलकर जो है अपना विरोध भी जता रही है, अपना समर्थन भी जता रही है। हम और आप जो हैं अमूमन जो है टीवी पर माहौल देखते हैं, हम पेपर में माहौल पढ़ते हैं, और अगर लोगों से बात भी करते हैं तो उन्हीं लोगों से बात कर पाते हैं जो हमारे आमने सामने मिलते हैं, आसपास मिलते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं, जहाँ हम काम करने जाते हैं वहाँ के मिलते हैं। लेकिन हमारे साथ अनुज गौतम बैठे हैं, इन्होंने लगभग पूरा सागर संसदीय क्षेत्र यानी 8 विधानसभाएं और आसपास की भी जो विधानसभाएं हैं, जिले की 8 विधानसभाएं और संसदीय क्षेत्र की 3 विधानसभाएं और सिरोंची भी गए थे, विदिशा गए थे, तो इन्होंने लगभग पूरे जो है पूरी जो है सागर को एक कर दिया है, पूरी विधानसभाओं को जो 8 विधानसभाओं को इन्होंने जाकर के वहाँ की हर व्यक्ति लगभग सभी कई लोगों से उन्होंने बात करी है। और तो हम सबसे पहले उनसे जानते हैं कि आप 8 विधानसभा में गए, पहले हम सागर की 8 विधानसभाओं की बात करेंगे, क्या निकल करके सामने आया है? इस बार जो है वोटर, मैंने तो पहले कभी चुनाव नहीं देखे, लेकिन सुनने में आया है कि जब चुनाव आते हैं तो एक चुनावी माहौल बन जाता है, लहर तय हो जाती है कि इसकी लहर है, इस पार्टी की लहर है। लेकिन जो अभी तक देखा है, 4-5 दिन ही बचे हैं वोटिंग के, और अभी 2-3 दिन पहले तक हम लोग चुनाव यात्रा लेकर जाते रहे हैं, अभी भी जनता में जो है इसकी लहर तय नहीं हो पाई है कि किसकी लहर है मध्य प्रदेश में, किसकी नहीं है। वोटर खामोश है, लेकिन इसके साथ साथ समस्याएं भी बहुत हैं। आम लोगों से बात की है, उनकी समस्याएं निकल कर सामने आई हैं। अगर सड़क पानी बिजली को छोड़ दिया जाए तो और भी लोगों की सड़कें हैं जो सरकार की नीतियां हैं, इससे भी काफ़ी लोग परेशान हुए हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा जो बात हुई है गरीब तबके के हैं, किसान, किसान की सबसे ज़्यादा हर विधानसभा में किसान जो है, किसान सबसे ज़्यादा परेशान दिखा है और उन्होंने अपनी बात रखी है। किसान ने क्या समस्याएं बताई? शिवराज सरकार तो बोलती है कि मैं किसान का, शिवराज सिंह खुद बोलते हैं मुख्यमंत्री, मैं किसान का बेटा हूं, खेती के को फायदे का धंधा बनाने के लिए वो लगे हुए हैं। किसान क्या, किस बात से नाराज है किसान? सर पिछली बार अभी जो पिछली बार जो भावांतर की राशि आई है, भावांतर की राशि बहुत से बहुत मतलब हर विधानसभा में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर किसान छूटा है। 20-30% आराम से ऐसे किसान मिले हैं, अगर 10 किसान मिले तो 10 में से 3 या 4 ने यही कहा कि अभी भी मुझे भावांतर की राशि नहीं मिली है। और इस बार की अगर सोयाबीन या उड़द की बात करें तो उड़द भी इस बार भावांतर में जोड़ा गया है, लेकिन इसके सेंटर अभी भी चालू नहीं हो पाए हैं, तो इससे किसान भी परेशान है। और अगर गेहूँ की बात करें तो सर गेहूँ उस समय जब भावांतर में लिया गया था, जिसकी राशि भी अभी भी नहीं मिली है, लेकिन उस समय 1700 और 265 रुपये के लगभग भावांतर को ज़्यादा मिला, 2000 मिला के 2000 रुपये क्विंटल हो गया था, और आज वही 2100 और 2200 रुपये में बिक रहा है। तो किसान इससे भी बड़ा कि अगर थोड़ा रख लेते तो हमें और ज़्यादा राशि मिल जाती और नगद पैसे मिल जाते, अकाउंट पे चक्कर रहा, बैंक में रहा, और इतना परेशान होना पड़ा। और अब जाके महीने 2 महीने बाद अब और इतना कम हो गया, मतलब ये देखिए ये है होती है ग्राउंड रिपोर्टिंग, इनको भावांतर की भी और एक एक जो बातें सामने आ रही हैं कि किसान जो है एक तो बहुत समय लगा उसको पैसा मिलने के लिए, नगद पैसे नहीं मिले, खाते में पैसे आए और वो चक्कर लगाता रहा अपने ही पैसों के लिए, अपनी उपज के दाम लेने के लिए, और आज इतने दिनों बाद भी उसको जो मिल रहा है वो इनके हिसाब से जो है जो उन्होंने जिस बेचा उससे भी उनको कम पैसे मिल रहे हैं। हमारे बुलेटिन प्रोड्यूसर हैं सरजू पटेल जी, हम लोग जाते हैं चुनाव यात्राओं में, हमारी पूरी टीमें जाती है चुनाव यात्रा, चुनाव चौपाल और चुनाव पर चर्चा, इलेक्शन अपडेट, लेकिन उसको एडिट करते हैं सरजू पटेल जी। हर जो है कैमरे की एक एक फ्रेम इनके सामने से जाती है, इन्होंने पूरे चुनाव को समझा, पूरी रिपोर्टिंग इन्होंने देखी है। इनसे हम पूछेंगे सरजू पटेल जी, मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे जो चुनाव में हैं कि जनता, सबसे पहले हम पूछेंगे जनता नाराज किन बातों से है? सबसे पहले जनता और युवा भी नाराज है रोजगार को लेकर, कहीं भी रोजगार की समस्या पूरी तरह दूर नहीं हुई है। जहां भी जाते हैं चुनाव यात्रा लेके ये लोग, हमारे डेस्क पे आता है तो उसको एडिट करते हैं, देखते हैं, पब्लिक का रुझान भी ठीक रहता है, पर उसके अलावा ये बोलता है रोजगार नहीं है कहीं भी, ना रोजगार के कोई अवसर हैं ना वो रोजगार है। इससे सरकार से थोड़ी नाराज़गी भी दिखती है, फिर भी कहते हैं सरकार बेटर है, फिर भी दोनों तरफ से एक सी माहौल निकल के आता है। अच्छा, मतलब नाराज भी है, मतलब 50-50 मामला चल चल रहा है। अच्छा, ये तो हमने मुद्दे पूछ लिए, नाराजगी, खुश किस बात पे से हैं?
खुश तो अभी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से इससे हैं कि आवास मिल गए हैं, आवास से हैं, ये भावांतर योजना भी चालू हुई है, लेट पैसे आ रहा है, फिर भी उनका गेहूँ अनाज उचित बिक गया है और उससे काफ़ी खुश हैं। और इस बार कह रहा है बहुत सपोर्ट है, कई योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं रह ही जाता है वो तो। अच्छा, दोनों पक्षों में एक बात और पूछेंगे, हर जगह प्रत्याशी के ऊपर जो है चुनाव लड़ रही है पार्टी, हम मेरा सवाल आपसे ये है कि मोदी और शिवराज सिंह चौहान, इनके नाम को लेकर के जनता जो है प्रभावित दिखती है या फिर प्रत्याशियों को लेकर के ही जो है अभी नाराजगी है या गुस्सा है या खुशी है? ज़्यादातर तो केंद्र सरकार से खुश दिख रही है अभी, इन 5 सालों की बात करें तो, अभी जितनी भी चुनाव यात्रा है केंद्र सरकार ने, जो मोदी ने आवास योजना जो जितनी भी योजनाएं निकाली उनसे बहुत कुछ दिख रही है। मध्य प्रदेश सरकार से भी खुश है, सड़क निर्माण में काफ़ी लोगों ने गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाई हैं शिवराज सरकार ने, उससे भी खुश है, सड़कों से कहीं कहीं खुश है, खुश बहुत। मैं आपसे पूछूंगा शिवा पुरोहित जी कि एक बार बताइए कि इतनी बार हमने चर्चाएं करी लेकिन हर बार साइलेंट क्यों है मतदाता, ये एक सवाल समझ में नहीं आ रहा है। पिछली बार तो लहर थी, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन इस बार मतदाता शांत क्यों? मेरे हिसाब से इस वजह से है कि टीवी कैमरों के सामने बोलना नहीं चाह रहा। क्या होता है चुनाव के बाद, चुनाव तो आज है वो कल चला गया, चुनाव के बाद जो जीतता हारता है बुराइयाँ जो हैं वो बहुत दिनों तक रहती हैं, चुनावी बुराइयाँ कहते हैं इसे। तो मतदाता इस बार, आम मतदाता इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता कि मुझे वोट देना, मैं वोट दे आऊँगा। मैं वो आपकी बात समझ गया, लेकिन एक लहर जैसी क्यों बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है? हाँ, लहर की अगर आप बात करें वो इसलिए नज़र नहीं आ रही है आपको, 15 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी तो ज़ाहिर सी बात है कि होना ही है, और 15 साल की सरकार की कई सारी चीज़ें जो है लोगों को पसंद आती हैं, कई नहीं आती हैं, कई लोगों को फ़ायदे मिल पाते नहीं मिल पाते, जिनको नहीं मिल पाते हैं वो नाराज़ होना स्वाभाविक है। पर लहर देखिए, भाजपा के खिलाफ में माहौल बहुत तेज़ी से बना था, कांग्रेस ने उसको बनाने की भी पूरी कोशिश की, अब वोट में कितनी बना पाते हैं ये देखना बाकी है, और भाजपा कितना डैमेज कंट्रोल कर पाती है ये भी देखना बाकी। कल जो है हमारे यहाँ पर जो है योगी जी की सभा है, मुख्यमंत्री के जो हैं उत्तर प्रदेश के, और कल राहुल गांधी भी जो हैं कल सागर आ रहे हैं। सबसे पहले हम अनुज से पूछेंगे, योगी जी का जो कार्यक्रम है वो क्या कहाँ का है? सर कल खुरई विधानसभा है, जहाँ से वर्तमान में गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह भाजपा से प्रत्याशी हैं, और वहीं पर उनके समर्थन में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल 10 बजे आएंगे, खुरई स्टेडियम में सभा करेंगे। ठीक है, और राहुल गांधी की सभा का क्या कार्यक्रम है? राहुल गांधी कल आ रहे हैं सागर और नरियावली विधानसभा में, कजलीवन मैदान में उनकी आम सभा होगी, और योगी आदित्यनाथ सुबह ठीक 10 बजे के आसपास खुरई में संबोधित करेंगे। खुरई में जैसा कि चुनाव यात्रा में ये भी गए हैं तो जैसे देखने में आया कि खुरई का वोटर सबसे ज़्यादा चुप है, वहाँ कुछ भी निकल के नहीं आ पा रहा है कि वोटर चाह क्या रहा है, फिर भी माहौल को योगी चूंकि एक स्टार प्रचारक के तौर पर और एक ब्रांड है अपने आप में, वो जब यहाँ आएंगे तो माहौल का परिवर्तन करने भाजपा के पक्ष में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कमलनाथ इसके पहले एक बहुत शानदार सभा वहाँ कर चुके हैं। तो दूसरा राहुल गांधी की जो गांधी की सभा से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने एक इलेक्शन अपडेट किया था, उसमें मैंने और तारिक ने बात करी थी, और उस समय तारिक ने राहुल की सभा को लेकर के, उस समय राहुल की सभा कहाँ हुई थी, शायद देवरी में हुई थी, उस समय तारिक ने बहुत जोर देकर के कहा था कि कांग्रेस के मैनेजमेंट या चुनावी जो है अरेंज करते हैं उनको सागर में ही सभा करानी चाहिए थी, और हम लोगों की भी एक बार चर्चा हुई थी कि राहुल को सागर में ही सभा करवानी चाहिए। उस समय अमित शाह की सभा कजरीवन मैदान में हुई थी, और शायद ये हमारा जो वीडियो है उन तक पहुंच गया हो, और यही चर्चा हम लोगों ने करी थी। ये इस पे सुरेश जी जो है, जिस दिन राहुल गांधी की सभा का शेड्यूल हमारे पास आया, सबसे पहली प्रतिक्रिया हम लोगों की थी गुटबाजी कांग्रेस की, और हम और तारिक ने चुनावी इलेक्शन अपडेट का जो हमने प्रोग्राम शुरू किया था पहले एपिसोड में ही, पहले दूसरे एपिसोड में हमने इसके बारे में जिक्र किया, और तारिक ने के शब्द थे ऑफ दी कैमरा कि अगर राहुल गांधी देवरी आ रहे हैं और हमारी अगर वीडियो वो देखेंगे, अगर ये वीडियो अगर उन तक पहुँच जाएगा तो सागर में सभा उनकी होगी, और ये ऑफ दी कैमरा उन्होंने कहा था। और फिर आज सभा किसी भी कारण से हो, वो हम नहीं कहते कि हमारे कारण हुई, लेकिन
वो बात दूर तक लग गई और आज कजली वन में सागर जी ये क्यों नहीं कहते आप अपने आप सागर टीवी न्यूज़ के वीडियो व्यूज़ बहुत हैं और बात दूर तक जाती है तो और उनका कहना ही तारिक का उस समय ये था कि अगर देवरी हर्ष यादव के इसमें सभा करने गए थे तो उनका कहना यही था कि ये तारिक के शब्द थे कि हर्ष यादव जो कि सागर विधानसभा सागर जो देवरी सागर संसदीय जो देवरी विधानसभा से जो है एकमात्र प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस के सिटिंग MLA हैं तो उन्होंने बोला था कि ये गुटबाजी लगती है कि जो है उनको वहाँ ले गए और उसी समय अमित शाह की सभा सागर में थी तो उन्होंने बहुत जोर देकर के कहा था कि अगर राहुल सागर आते तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाता देर आया दुरुस्त आया बात सुनी गई राहुल गांधी जी की सभा का सागर में होना नरेवली लगी हुई विधानसभा में होना ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है बूस्ट करेगा पूरा चुनावी प्रचार क्योंकि अमित शाह कुछ दिन पहले उसी मैदान में आकर भाजपा को बूस्ट करके गए ये कांग्रेसियों को एकजुट करेगा बूस्ट करेगा गुटबाजी को भी थोड़ा दूर करेगा और एक कांग्रेसियों के ऊपर एक दबाव भी बनाएगा कि आपको एक होकर चुनाव लड़ना है क्योंकि राहुल गांधी जी की नाक का सवाल है सागर जिले में 2 बार उनकी सभा हुई है ये दूसरी होगी वो पहली देवरी में हो चुकी है और माहौल का समय जो है देखिए अभी 3 दिन और हैं 3 दिन प्रचार के हैं इन 3 दिनों में ही लहर बनती है अभी हम जो लहर की बात करते हैं इन 3 दिनों में ही लहर बनती है सही टाइम पे सही व्यक्ति का आ जाने से लहर बन जाती है अब कांग्रेस कितना इस पर कर पाती है ये हाँ क्योंकि यहाँ पर भाजपा मई सागर रहा है मतलब तो अगर अपन देखें तो पिछले 5 चुनाव जो है भाजपा ही जीतती आ रही 5 चुनाव तो अब भाजपा को अगर 6वां चुनाव आपको हराना है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा और आपके कैंडिडेट का साथ देना पड़ेगा क्योंकि आपका जो वोट आपको मिलने वाला था एंटी इनकम्बेंसी का वो 18 प्रत्याशियों में बढ़ गया है उसको आप कैसे साधेंगे कैसे अपनी तरफ कन्वर्ट करेंगे तो राहुल एक अच्छा रोल प्ले करेंगे ये था हमारा इलेक्शन अपडेट का आज का अंक कल योगी जो हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो सभा करने वाले हैं और राहुल गांधी की भी सभा होने वाली है दोनों सभाओं से क्या फ़र्क पड़ता है कितना अपडेट हो कितना जो है जनता पर प्रभाव पड़ता है कितना है दोनों पार्टियां बूस्ट करती हैं और भी कई सारे अपडेट होंगे उन्होंने क्या खास कहा उन्होंने अपने संगठन से क्या बात करी और भी जो तमाम खास बातें रहेंगी हम आपके लिए कल इलेक्शन अपडेट का एक और अंक लेकर हाजिर होंगे तब तक देखते रहिए सागर TV न्यूज़ हम सभी को दीजिए इजाज़त नमस्कार।